दौसा लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट का बंटवारा का पटाक्षेप हो गया है। दौसा लोकसभा सीट पर बस्सी के पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही कन्हैयालाल मीणा का नाम आने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाकर मोहर लगा दी है, जिसको लेकर मंगलवार को मीणा बस्सी से जयपुर मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करने के बाद दौसा की पपलाज माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर भाजपा कार्यालय दौसा पहुंचेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जिस प्रकार से लगातार दो बार राजस्थान से 25 की 25 सीट जीती जा रही है और इस बार भी राजस्थान से 25 की 25 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हो जाएंगे। वहीं दो साल भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा का रात 8 बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम है। इन सबके आशीर्वाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी ने इन सब ने मिलकर के जो ये टिकट लोकसभा क्षेत्र दौसा को दिया है, मैं इस टिकट को आम जन का सबका आशीर्वाद लेकर के और इस क्षेत्र में जो जो अब तक विकास हुए हैं या जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का कार्य है। यदि मुझे एमपी बनाते हैं तो मैं गांव गांव में ढांडाणी में आम जन को सरकार के द्वारा एमपी फंड के द्वारा, चाहे वो राजस्थान हमारी सरकार है राजस्थान में, राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं ला सकते हैं, जहां जहां जो जिस योजना की आवश्यकता है उस योजना को सब लोगों के सहयोग से मैं उसको पूरा कराने का कार्य करूंगा।